दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहानू आपां सब नूं जी हां कहिंदे आं और थर्ड वाले सैगमेंट विच आपां पहुंच चुके हैं। सो उस दे विच आपां डिस्कस करन जा रहे हैं बहुत ही अहम खबर कि भारतीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ बलोचिस्तान ते सिंध विच साजिश कर रही हैं बल्कि बाहरले मुल्कां विच पाकिस्तान विरोधी जो अंसरां नूं चीन ते पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडे दे ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਊਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ, राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की गल जी है, इस मुद्दे हाईलाइट करो, डिप्लोमैटिक सपोर्ट दो। और असी रेगूलरली आलमोस्ट हूँ तो कोई ना कोई टॉपिक होंगे डिस्कशन का जिसे असी दसते हैं कि भारत किवें सीधा सीधा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों इंटरफीयर कर रहा है। जो कुछ उन्होंने कुलभूषण यादव राही बलोचिस्तान करवाया जदों का वह काबू च आया काफ़ी हद तक ठल पई है, पर इसके बावजूद असी पिछले दिनों देखा कराची दे विच पाकिस्तानी जिहड़ी है उन्हां दी स्टॉक एक्सचेंज उस ते अटैक होया, उस तो पहला चाइनीज कौंसलेट ते होया, हुण भी कोई ना कोई धमाके इधर उधर माड़े मोटे इन्हां दी करन दी साजिश रहिंदी है। लेकिन अजे तक मैनू ये नज़र नहीं आया कि पाकिस्तान दे हायर जां ये बाहरले मुल्कां च बैठे इन्हां दे एंबैसडर जां डिप्लोमैट इन्हां नूं ये होए पता नहीं क्यों डरते हैं ज भारत की जो उन्होंने कर दिता है कश्मीर 5 अगस्त 2019 में आईनी गुंडागर्दी करके जो पाकिस्तान में दुनिया के हर प्लेटफॉर्म से बदनाम कर एपी सेंटर ऑफ टैररिज्म हर जी थान के उत्ते जिन्हों पसूड़ी पाना कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो उन्होंने कोई कसर नहीं छी तो पाकिस्तान कि चीज़ होल्ड कर रही है कि उन्होंने डिप्लोमैट उन्होंने जड़े बाहर एनवॉय ने वो क्यों नहीं आवाज़ चुक सकते। ईवन मैं कश्मीर के मुद्दे पर भी कोई बहुत वोकल जो कोई दिन होंगे कल जिमें असी ट्वीट्स का जिक्र किया मार्टियर्स डे ते जां दूजे पर जिहड़ी पूरी एक बिग बैंग दे नाल पिछले साल 2019 सितंबर च इमरान खान साहब की स्पीच दे नाल गल शुरू हुई सी उहदा कोई फॉलोअप नहीं है, कोई दुनिया च कोई इस दे उत्ते कोई मूव नहीं चल रहा। हुण इहदे उल्ट तुसीं हालांकि कोविड-19 है असीं पहलां भी गल कीती है कि इहनूं किवें एज ए ओपरचुनिटी वरत रहे ने, किवें उत्थे जिहड़ा अकलीयतां दा तां गला घोट ही रहे ने, विरोधियों का भी कर रहे हैं। और ईवन इतों तक आ एक खबर जिहड़ी इलाहाबाद के हवाले नाल सी, मिनिस्टर फोर्सिबली गैट्स हाउसिज पेंटेड इन सैफरन कलर इन यूपी रेजीडेंट्स लॉज FIR। हुण ये है कि भी कुतवाली पुलिस स्टेशन च वो कह रहे हैं कि भाई इत्थे मिनिस्टर BJP का रहिंदा है, उन्हें कहा भी जिहड़े महल्ले दे घर भी ने वो भी बाहरों सारे जिहड़े ने पीले पेंट कर दिओ क्योंकि ये BJP का रंग है। सो उन्होंने तो ईवन उत्थे भी विदिन कंट्री जदों लोग आइसोलेशन और दूसरे और इलाज और बीमारी नाल तड़फ रहे ने वो तो सब नूं भगवा करन ते लगे हुए ने, उन्होंने महल्ले दे भी कर दिओ। हुण दो खबरां जिहड़ियां मेरी नज़र चों गुजरियां कि किवें खुल्लम खुल्ला भारत जिहड़ा है यही नहीं भी उन्होंने गिलगित और बलिस्तान दे विच जिहड़ा उत्थे भी लोगों के मुजहरे करवाए ने कि जिहड़ा इकनोमिकल कोरीडोर साडी जमीन ते कब्जा सानू बेरोजगार करता। दूजा ईवन हुण तक मैनू ये नहीं सी सुनिया कदे जां मैं पढ़िया कि आज़ाद कश्मीर दे कोई किसी बंदे नू भी जिहड़ा वो दुनिया के प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जी अगेंस्ट पाकिस्तान के साड़ी जमीन पर कब्जा किया जां दूजा। हुण चाइना ने आज़ाद कश्मीर के जड़ा दरियाई पानिया के नाल रिलेटिड उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए ने और वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी आवाज़ उन्होंने बाद च बना दिती कि जी ये चाइना क्यों इंटरफीयर कर रहा है। और पहली खबर और इसी तरह सिंध के मामले पर मैं खबर जड़ियाँ इन्हों एजेंसियों दियां ने क्योंकि ये तुहानू पाकिस्तानी मीडिया से नज़र नहीं आनगियां क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने शायद इंट्रस्ट भी नहीं है मीडिया तो उन्होंने वैसे भी नहीं नज़र आएगा अदर दैन कि कोई बहुत वड्डा वाकया हो जाए तो वह खबर देंगे, अदरवाइज़ वो अपने ही लगे हुए हैं कि जी जरदारी साहब ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने क्या कहा, इमरान खान -1 -3 +1 +1 इस काम से ही लगे ने कि सरकार टुटेगी
किनू की होएगा उन्हें कि उन्होंने कोई नहीं है। और कई बार जो मैं चंगा भी लगता जो साढ़े पाकिस्तानी भैन भरा सू कहते हैं जी तुम साढ़े मुल्क की आवाज़ हो, पर कई बार मैं ये भी महसूस होंगे भी कल ये भी लगन लग जाता है कि मुदई सुस्त गवाह चुस्त भी जिन्हों का मुल्क है जिन्हें जोड़ा मीडिया जोड़े पॉलिटिशियन जोड़े लोग हालां असी आउट ऑफ लव करते सू कोई ये नहीं है और असं ये भी समझते हैं कि भाई चलो असी ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड जे रब ने सानू कोई समझ दिती है जां साडे कोल इक प्लेटफॉर्म है तो असी सच की गल करिए इन्हां नू एक्सपोज करिए, पर वो किस हद तक खुलेआम बाहर एंटाई पाकिस्तान मूव इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इस गल नू यकीनी बनांदी है भी उन्हां दे मीडिया दे विच उन्हूं हाईलाइट किया जाए। और पहली खबर है वाच पाकिस्तानीज सिंग वंदे मातरम विद इंडियंस इन लंडन प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइना। हुण इह दो मैसेज जो दे रहे, एक तां लंडन दे विच चीन दे खिलाफ प्रोटेस्ट इंडियन कर रहे हैं, वो तो उन्हां दा तो अपना लद्दाख का मुद्दा, पर नाल पाकिस्तानी जिहड़े इन्हां दे रेंटा पाकिस्तानी ने वो रखे हुए ने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाँ थले। और उन्होंने कहा जी कल्ला यही नहीं भी चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उन्हें फिर इंडियंस नाल मिलके वंदे मातरम भी गाया। ये भारत के मुसलमानों नू मैसेज दे रहे हैं देखो जी बाहर तो असी पाकिस्तानियों नू भी जड़ा है वो देवी की पूजा कराती भारत माता की और तुहानू की हर्ज है कहण दा। और ये खबर है पाकिस्तानी सिंगिंग इंडियन नैशनल सोंग इज रेयर बट संडे सॉ क्वाइट ए फ्यू ऑफ दैम जॉइनिंग हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस लिटरली हैंड इन हैंड इन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द चाइनीज एम्बेसी इन लंडन। और ये जड़ी माई आरिफ जड़ा आरिफ अजाकी है बंदा है ये पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हु बिलीव्स इन स्पीकिंग बिटर एंड नेकेड ट्रूथ अबाउट हिज कंट्री शाउटेड बायकॉट चाइना डाउन विद चाइना अलोंग विद मेंबर्स ऑफ सेवरल इंडियन डायस्पोरा ग्रुप्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। जिहड़े खुद एक्सपेंशनिस्ट ने जिन्होंने सिक्किम हड़प्पिया भूटान नू जिहड़ा अपने उस दे थले शैडो दे थले रख्या होया है पाकिस्तान नू तोड़िया है और नेपाल दे नाल की कर रहे हैं वो चाइना नू एक्सपेंशनिस्ट कह रहे हैं। कह रहे हैं टुडे वॉज आलसो द फस्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई सेंग वंदे मातरम सैड अजाकिया। हुण ये आरिफ अजाकिया जिहड़ा है कौन है, पर अपने आप नू उन्हों लेबल दे दिता है कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है उन्हें किया है। फिर उन्होंने कहा जॉइनिंग हिम वॉज आलसो अमजद अयूब मिर्जा हु हेल्स फ्रॉम मीरपुर इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ए फ्यू अदर्स फ्रॉम कराची एंड मैनी फ्रॉम ईरान ऑल प्रेटी अपसेट विद चाइना मेडलिंग इन देयर अफेयर्स टू। हुण ईरान साइन कर रहा है चाइना के नाल इंडिया नू किक आउट किया है, हुण इन्हां नू लगता है भी ईरान नू भी रगड़ो। और ये जड़े उन्होंने रेंटा बंदे कट्ठे किए वो अगेंस्ट ईरानी भी कोई उन्होंने भी पेरोल से लिया है और पाकिस्तान दे मीरपुर दे आज़ाद कश्मीर दे भी किसी नू लिया है। और ये जड़ा पाकिस्तान दे मीरपुर तो है वो कहता है आई हैव ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम ग्लैसगो फॉर दिस प्रोटेस्ट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड एन इंडियन लिविंग अंडर पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन। हुण तुसीं इस तों अंदाजा लाओ भी ये किन्ना क पाकिस्तानी होएगा जिहड़ा अपने आप नूं इंडियन कह रहा है आज़ाद कश्मीर च बैठ के भी। सो ये भी इन्हों का रेंटा मुस्लिम नेम वाला है। फिर वो कह रहा है जिहड़ी हुण गिलगित बलिस्तान दे भी चाइनीज़ आर रैकिंग हैवक अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान थ्रू सी पैक एंड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू वर्क हैंड इन ग्लव विद देम सैड मिर्जा। उन्हें कहा जी असी हु हैज़ बिन वोकल अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस मेटेड आउट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बाई पाकिस्तानी अथॉरिटीज़। उन्हें कहा जी असी आने वाले पीरियड च अमरीका कनेडा और दूसरे हिस्सों च भी इस किस्म के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करांगे अगेंस्ट चाइनीज़ प्रेजिडेंट शी जिनपिंग। और उन्होंने कहा कि भी ये जड़े ने उन्होंने हाथ जड़े बैनर फड़े से फ्री तिब्बत फ्री होंगकोंग फ्री उजगर प्रोजेक्टेड इन टू ये सारे उन्होंने हाथ के। सो ये साढ़े पाकिस्तानी जड़े पॉलिसी मेकर ने डिसीजन मेकर ने हू एवर मैटर जो यदा नोटिस लैन तो उन्होंने ये समझ होनी चाहिए है कि वो किस डायरेक्शन च ने। और ये गल डायस्पोरा च नहीं है, मैं नहीं पता पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस खबर को किन्ना कलाया, पर इंडियन एजेंसियों की खबर है
और नवाब शाह पाकिस्तान दे विच और एक खबर है सिंध विमेन होल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ऑफ एक्टिविस्ट और नवाब शाह दे हवाले नाल पाकिस्तान दी डेट लाइन ए मैसिव प्रोटेस्ट और दर्शक स्क्रीन ते पिक्चर देख सकते हैं ए मैसिव प्रोटेस्ट वॉज हेल्ड इन नवाब शाह सिटी ऑफ पाकिस्तान सिंध प्रोविंस ऑन संडे टू डिनाउंस एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ऑफ पोलिटिकल एक्टिविस्ट बाई कंट्री स्पाई एजेंसीज ISI दिस और उन्होंने कहा जी कि ए और GA सिंध मुतायदा महाज ने ये जड़ी प्रो फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ने सन प्रो फ्रीडम का की मतलब है जिवें GA सिंध नां दी लहर काफ़ी दहाका दो दहाका पहला इन्होंने खड़ी की सी मर मुर गई हूँ इन्होंने जड़ा इन्हों का एक MQM का सी अलताफ हुसैन वो तो एक्सपोज होया रात वो तो इंडिया शैल्टर मंगता भी मैनू आन दौ जिमें वो कनेडा बेस्ड एक नफरत नाल भरिया होया होर है वह मैनू ना हमेशा भुल जाता बड़ा फतेह के की है वो बड़ा वो हिंदुआ नालों ज़्यादा हिंदू बनता है सो ये भी जड़ा अलताफ हुसैन का यही हूँ ये जड़ी इन्होंने GA सिंध मुतायदा महाज बनाया प्रो फ्रीडम हूँ जाहिर है कि आने वाले पीरियड से सिंध दे विच भी इस किस्म दियाँ वायलेंट कार्रवाइया करवाएंगे और उन्होंने कहा जी ये असी स्टेट टैरिज्म ब्रुटैलिटी के खिलाफ इस प्रोटेस्ट नूं कर रहे हैं और इस सारे च उन्हां दे जिहड़े काफ़ी नां दित्ते हुए ने कि कौन कौन ने उन्हूं एड्रेस किया और स्टॉप स्टेट टैरिज्म एंड ब्रुटैलिटी अगेंस्ट पोलिटिकल वर्कर्स एंड नैशनल मूवमेंट ऑफ सिंध सो हुण जे विद इन पाकिस्तान ये प्रोटेस्ट इस किस्म के हो रहे हैं लंडन दियां स्ट्रीट्स चाइना के अगेंस्ट इन्हों लामबद्ध किया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर तो लैके उन्होंने डिप्लोमैट तक UN के उन्होंने एम्बेसडर भी जोड़ा गिलगित बलिस्तान के ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की गल करता है उन्होंने चैनल गिलगित बलिस्तान और आज़ाद कश्मीर का वैदर दसते हैं तो वट इज़ होल्डिंग पाकिस्तान बैक कि पाकिस्तान क्यों नहीं चलो किसी नाल हमदर्दी है नहीं इन छोड़ो टिट फॉर टैट ही करो घट्टो घट अपने PR के लिए कुछ करो जां घट्टो घट जो हो रही ने एक्टिविटीज उन्होंने ही सिख तो अपने तौर पर कर रहे हैं असं करते भी रहने सानू कोई हमायत मिले या ना मिले क्योंकि असी इस गल दे नाल कन्विंस्ड हैं और मेरी अक्सर ये हुंदी है कोर्ट कि भाई पिछले घट्टो घट 36 साल जो June 84 फाइनल वाटरशेड मान लीए कोई सूरज ऐसा नहीं चढ़िया जिन्हें मैनू ये कन्विंस करवाया होए कि भारत दे विच सिखां दी हालत बदल गई है कोई जस्टिस लविंग रिजीम आ गया है और हुण सिख जिहड़े ने खालिस्तान की मंग तो थोड़ा स्टैप डाउन हो जाए रादर इन्हां 36 साल हर चढ़ते सूरज ने मैनू ये यकीन करवाया कि उस खिते दे विच जे असी इंडिपेंडेंट सॉवरन खालिस्तान अपनी सरजमीन दरियाए जमुना तो वाघा तक इन्हां तो फ्री ना करवा सके ते साड़ा हाल उस मुल्क दे नक्शे उही होएगा जो बुद्ध धर्म दा ब्राह्मणवादियों ने किया जिहदे बारे अलामा इकबाल ने कहा कि ब्राह्मण सरशार है अब तक मैं पिदार में शमाए गौतम जल रही है महफिल अग्यार में कि भाई गैरां दी महफिल दूर बुद्ध धर्म की गल है जापान थाईलैंड कंबोडिया कोरिया ईवन अमरीका वर्गे मुल्क भी इन्हां दे दिलचस्पी रखते ने लेकिन उत्थे जो हाल बुद्ध धर्म का किया उही साडा होएगा इस बारे मैनू घट्टो घट कोई शक नहीं है तो जे पाकिस्तान के जेडे लोग इन्हां सारे मामलों मैटर करते हैं आवाम का प्यार असी वेलकम करते हैं सानू जिस कदर सारे वीर भैन प्यार करते हैं साढ़े ओहायो तो वीर जिन्होंने सानू एक स्पैशल कॉइन भेजे पाकिस्तान गए फिर उन्होंने लिखा कि जी थोड़े लिए गिफ्ट है और हालांकि कल उन्होंने दोबारा मैसेज सी क्योंकि मैं एक्नोलेज नहीं सी कर सकिया मैं उन्होंने शुक्रिया भी अदा कर दें कि थोड़ा ये गिफ्ट ये अरबां डॉलर नालों भी कीमती है क्योंकि जिस फीलिंग दे नाल भावना दे नाल तुसी इस सारे जेस्चर नूं कीता सो जिन्ना आवाम का प्यार है मैनू तो कई बार लगता है कि भाई असी ऐसा की कर रहे हैं इन्हां दी मुहब्बत नूं असी
ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਵਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ